जैसे ही आप मैखंबा को क्रॉस करोगे तो मधमेश्वर ट्रैक की मुझे सबसे खास बात ये लगी है। बाबा मधमेश्वर की यात्रा का सफर कैसा रहने वाला है आज के इस वीडियो। बाबा के द्वार जय श्री केदार। भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन करने के बाद मेरी पंच केदार यात्रा शुरू हो चुकी है और आज मैं द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर की यात्रा पे हूँ। रांसी गांव से लगभग 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जो गोंडार विलेज तक जाएगा और मेरा फर्स्ट स्टे जो होने वाला है वो है गोंडार विलेज। पंच केदार की इस यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज करासी और मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बाबा मधमेश्वर की यात्रा का सफ़र कैसा रहने वाला है आज की इस वीडियो में हम पूरे ट्रैक को भी कवर करेंगे और ट्रैक में मिलने वाली उस हर खूबसूरती को भी हम अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप इस ट्रैक में मेरे साथ बने रहिए। महादेव। जैसे ही आप भगवान श्री मधमेश्वर का ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम आपको सीधे हिमालय शिखरों पे आपकी नज़र पड़ेगी और साथ ही साथ ये खूबसूरत झरने आपका वेलकम करने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे ही आप मेन रोड से नीचे उतरोगे तो आपको कुछ ऐसा पथरीला रास्ता पूरे ट्रैक में देखने को मिलेगा और ये खूबसूरत व्यू, खास तौर पे पहाड़ों की ये प्यारी सी हवाएं और जंगल के बीच ये चिड़ियाओं की, जानवरों की हल्की और मीठी आवाज़ आपको लुभाती रहेगी। गोंडार विलेज तक आपको पूरा प्लेन रास्ता मिलेगा और जो सबसे टफ ट्रैक स्टार्ट होता है वो गोंडार विलेज के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गोंडार के बाद आपको खड़ी चढ़ाई के साथ तेज़ धूप का भी सामना करना पड़ेगा। और जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं बाबा मधमेश्वर की यात्रा का, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपको अपने साथ क्या क्या कैरी करके आना है। सबसे पहले तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैक में हैं तो कोशिश करिए अपने पास वेट कम से कम लाएं, क्योंकि जितना कम वेट होगा उतना ईजी आपको ट्रैक करने में आसानी भी होगी। क्योंकि जब आप इस ट्रैक में निकलोगे भले आपको थकान लगे लेकिन प्रकृति आपको थकने नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति ने चारों तरफ ऐसी खूबसूरती बिखेरी हुई है कि आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। और ठीक मेरे पीछे एक वाटरफॉल है। अक्सर आपने मधमेश्वर यात्रा की वीडियोस में आपने देखा होगा कि अक्सर ये वाटरफॉल आपको दिखाई देता है। मेरे पीछे ये पूरा वाटरफॉल है और इस यात्रा में जब आप आओगे तो ये वाटरफॉल आपकी थकान को जरूर मिटाएगा, क्योंकि वो ठंडी हवाएं जब शरीर पर पड़ रही हैं तो मानो गर्मी छूमंतर हो जा रही है। और गोंडार विलेज से खाना खाने के बाद फिर से मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से अभी भी लगभग 12 से 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। जब भी आप भगवान श्री मधमेश्वर की यात्रा पर निकलते हैं तो अपने साथ छाता जरूर लेके आए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई के साथ साथ तेज़ धूप भी है और पूरे रास्ते भर आपको उसके बाद थकाने वाली धूप मिलेगी। इस साल मानसून में बहुत सारी जगह डैमेज हुई हैं, उनमें से मधमेश्वर घाटी भी है और ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में एक और जहाँ बादल फटने से ये पूरा सैलाब पुल को अपने साथ बहा ले गया और यहाँ से कई दिनों तक पूरी कनेक्टिविटी कट गई थी, लेकिन लोकलों द्वारा और शासन प्रशासन की मदद से एक वैली ब्रिज बनाया गया जो कि लकड़ियों के माध्यम से बनाया गया और इसी के थ्रू ये रिवर को यहाँ से क्रॉस करके मधमेश्वर धाम की ओर आप लोग प्रस्थान करेंगे। महादेव।
मधमेश्वर धाम का जो ट्रैक है वो पूरी तरह से कच्चा ट्रैक है। आप देखेंगे, आप जब इस मधमेश्वर धाम की ओर यात्रा करेंगे तो आपको पूरे रास्ते पर कुछ ऐसी जगहों का सामना करना पड़ेगा। और कब तक ये जगह डेवलप होंगी इसका कुछ आइडिया नहीं है। गोंडार गांव को जब आप क्रॉस करेंगे तो लगभग आधा किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है जहां पर 4-5 परिवार रहते हैं। उस जगह का नाम है वनतोली। और यहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं। खाने के लिए यहां पे आपको सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। सफ़र शुरू करोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। मैं बहुत समय से प्लान कर रहा था कि मैं मधमेश्वर धाम की यात्रा करूं, लेकिन जब तक बुलावा नहीं होता है आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता है। कल अचानक से प्रोग्राम हुआ कि मधमेश्वर यात्रा करनी है, और साथ ही साथ संयोग की बात ये रही कि जब मैंने प्लान किया कि मैं मधमेश्वर धाम की यात्रा करूँगा तो साथ ही साथ मन में विचार आया कि मैं क्यों ना पंचकेदार की यात्रा को पूरा करूँ। ऐसा मन में विचार आते ही मैंने प्रोग्राम किया और निकल पड़ा अपने सफ़र पे। महादेव खड्डरा के बाद जो दूसरी आपको लोकेशन मिलेगी वो है नानू। नानू में आप स्टे कर सकते हैं। खाने के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ से फिर से धूप भरा सफ़र शुरू होता है। महादेव खूबसूरती ठीक आपके सामने। ये हिमालयी शिखरों की जो यात्रा होती है ये आत्मिक यात्रा है, और ऐसी यात्रा मन को शुद्ध कर देती है। अभी भी ठीक ऊपर जो लास्ट आपको टॉप दिख रहा है उसके ठीक बैक साइड में भगवान श्री मधमहेश्वर का धाम है, और इस चिलचिलाती धूप में भी सफ़र जारी है। हरे महादेव। जैसे ही आप मैखंबा को क्रॉस करोगे तो आपको हल्के जंगल से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही आप इस जंगल में एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको राहत पहुंचाएगा, क्योंकि इस घने जंगल के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर धूप बिल्कुल भी नहीं है। सो वो जगह आपको काफ़ी चिल करेगी। महादेव जितना जल्दी आप सुबह ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो उतनी ही राहत आपको मधमेश्वर ट्रैक में मिलने वाली है, क्योंकि आप अगर 8 बजे के बाद अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं तो तेज़ धूप आपको बुरी तरह से थका देगी। और मैं कंपैरिजन करूं मधमेश्वर ट्रैक की और केदारनाथ ट्रैक की, तो भगवान श्री केदारेश्वर के ट्रैक के मुकाबले मधमेश्वर ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी खड़ी चढ़ाई है और तेज़ धूप बुरी तरह से पजल कर देती है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में किसी मार्ग में आपके कदम बढ़ जाते हैं तो मंजिल की ओर आप पहुँच ही जाते हैं। मधमेश्वर ट्रैक की मुझे सबसे ख़ास बात ये लगी है, मैं जब से निकला हूँ पूरे रास्ते में मुझे अभी तक प्लास्टिक कहीं दिखा नहीं है। अगर प्लास्टिक भी है तो वो अपनी सही जगह पे पड़ा हुआ है। अगर कंपैरिजन करूँ केदारनाथ यात्रा का तो केदारनाथ यात्रा मार्ग में आपको हर जगह प्लास्टिक दिखेगा, और एक वर्ष की यात्रा में लगभग लाखों टन प्लास्टिक केदारनाथ से रिसाइकल किया जाता है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है चाहे लोकल का हो या फिर प्रशासन का, वो हिमालय रेंज को संरक्षित रखने के लिए वाकई काबिले तारीफ है। फाइनली ठीक मेरे पीछे द्वितीय केदार भगवान श्री मध्य महेश्वर का धाम है,
और इस ट्रैक को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 5 घंटे लगे हैं, क्योंकि जब मैं रांची से निकला था तो रांची से गोंडार पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा और लगभग आधा घंटा मैंने गोंडार में स्टे किया। खाना खाने के बाद 11:36 पे मैं गोंडार से निकला और 3:40 पे मैं भगवान श्री मध्य महेश्वर के इस पावन तीर्थ में पहुंचा हूं, जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं भगवान श्री मध्य महेश्वर की यात्रा करूं, और आज वो दिन पूरा हुआ है। सपने देखे जरूर साकार होते हैं और भगवान आपको जब चाहे, बिना भगवान की इच्छा के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। भगवान की डोरी लगी और मैं भगवान श्री मध्य महेश्वर के इस पवित्र धाम में आ पहुंचा। भगवान मध्य महेश्वर आप सभी की यात्रा को सफल करे। हर हर महादेव। जैसे ही आप भगवान श्री मध्य महेश्वर के धाम के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको कुछ ऐसा खूबसूरत व्यू दिखने वाला है। जैसे ही आप भगवान श्री मध्य महेश्वर की ध्वजा के दर्शन करेंगे, ये शीर्ष के दर्शन होने मात्र से पूरी थकान गायब हो जाती है। एक और रास्ते में वो उमस भरी गर्मी, साथ ही साथ तेज़ धूप और थकान, जिसने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया था, लेकिन कदम बढ़ाए थे और आखिर में मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भगवान श्री मध्य महेश्वर आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी ये द्वितीय केदार की जो यात्रा थी आज संपूर्ण हुई है और भगवान श्री मध्य महेश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जीवन काल भगवान श्री के चरणों में अर्पित रहे। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हिमालय की यात्रा जरूर करें और भगवान श्री मध्य महेश्वर के धाम की यात्रा जरूर करें। बाबा मध्य महेश्वर की यात्रा और दर्शन करने के बाद मैं निकला हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जो कि ठीक मेरे पीछे है, और इस खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद आपको वो खूबसूरत व्यू दिखने को मिलेगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। महादेव। बूढ़ा मध्यमेश्वर में दर्शन करने के बाद इस पूरी प्रकृति का आप सभी लोग भी आनंद लीजिए। जीवन में कभी पल आपको मिले इसका कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी यात्रा का प्लान करते हैं तो अवश्य मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और मंजिल कुछ ऐसी हो तो यात्रा भी सफल हो जाती है। द्वितीय केदार भगवान श्री मध्य महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटियों के मध्य बसा है। भगवान श्री मध्य महेश्वर का ये पवित्र धाम, मध्य महेश्वर धाम में भगवान श्री भोले शंकर की मध्य भाग की पूजा की जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक बाबा मध्य महेश्वर हैं, जो द्वितीय केदार के नाम से विख्यात हैं। लगभग कुछ सालों से ये क्षेत्र ट्रैकिंग के मामले में और ट्रैकर्स के लिए बहुत पसंदीदा रहा है, साथ ही साथ यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शांतिपूर्ण है। आप जब इस दिव्य स्थान पे आएंगे तो आपको स्वतः ही इस चीज़ की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम तक कैसे पहुँचे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि पंच केदार की यात्रा कैसे करें, इन धामों तक कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग द्वितीय केदार भगवान श्री मध्य महेश्वर के धाम आना चाहते हैं उनको देवभूमि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आना होगा। आप बाई ट्रेन या फिर बाई एयर के माध्यम से भी
देवभूमि उत्तराखंड आ सकते हैं। जैसे आप ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से आप प्राइवेट कैब करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस जगह तक पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से आपको सबसे पहले रुद्रप्रयाग आना होगा और रुद्रप्रयाग आने के बाद आपको सीधे ऊखीमठ के लिए निकलना है। ऊखीमठ से रांसी गांव, जो कि इस रूट का लास्ट विलेज है, वहां से 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जो गोंडार गांव तक आता है। गोंडार गांव पहुंचते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वो स्वर्ग की सीढ़ियों जैसी यात्रा है। ये सीढ़ियाँ ऐसी मानो ऐसी लगती हैं कि ये जब ऊपर की ओर निकलती हैं, ये एक छोर से दूसरी ओर, तो ऐसी अनुभूति होती है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये स्वर्ग के लिए जा रही हैं और स्वर्ग जैसी अनुभूति आपको यहाँ पर आने के बाद होगी। भले पूरे रास्ते भर आपको धूप से जूझना पड़ेगा, थकान से जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही भगवान श्री मध्य महेश्वर की इस ध्वजा मात्र के दर्शन से सारी थकान दूर हो जाती है। वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो लोग पंच केदारों की यात्रा करते हैं और देवभूमि की यात्रा करते हैं। भगवान मध्य महेश्वर आप सभी की यात्रा को मंगलमय करें। हर महादेव। बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन करने के बाद आज का जो दूसरा ट्रैक स्टार्ट होगा वो तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ का है। भगवान श्री मधमेश्वर से आज्ञा लेकर तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के दर्शनों के लिए मैं निकल चुका हूँ और अगली वीडियो में आप तृतीय केदार भगवान श्री तुंगेश्वर के तुंगनाथ के दर्शन करेंगे। भगवान आशीर्वाद दे, शक्ति दे कि मैं इस पूरी यात्रा को कम्प्लीट कर पाऊँ। महादेव।